हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एट द रेट पायमेट। आज हम शुरू कर रहे हैं बिकॉज वी आर रीडिंग विद कॉम्पिटिटिव बायोलॉजी। देखिए, इसमें बायो टॉपिक से 11 ट्वेल्थ के टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं और आपको हायर उसमें भी हायर एग्जाम्स में भी आपको ये क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टॉपिक फोटोसिंथेसिस, डीएनए स्ट्रक्चर एंड देर इज़ अ रेस्पायरेशन। सो फिजियोलॉजी से भी बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, तो हम उस सीरीज़ को भी शुरू करते हैं। आज शुरू करते हैं टॉपिक फोटोसिंथेसिस। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं एक टॉपिक, दैट इज फोटोसिंथेसिस। ओके, पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं, व्हाट एक्चुअली इट मींस, और डिफरेंट एस्पेक्ट को हम देखेंगे कि कितने फोटोसिंथेसिस में किस किस तरह से प्रोसेसेस होती हैं। ओके, अगर हम सिंपल डेफिनेशन देखें तो इट इज सिंथेसिस यानी फॉर्मेशन एंड फोटो मींस लाइट। सो इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स, ठीक है, बाय विच ग्रीन प्लांट्स prepare their food, right? Green plants prepare their food in presence of light, right? Presence of light यानी जब light, sunlight होगी उस presence में वो अपना खाना बना लेते हैं। इसको हम बोलते हैं photosynthesis, photolight synthesis formation. So ज़्यादातर जो autotrophs होते हैं, और basically हमें बोलना चाहिए photo autotrophs, ऑटोट्रॉप्स, अगर हम थोड़ा डेफिनेशन को और आगे से देखें, ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉप्स यानी वो जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर देयर फूड, एंड लाइट से वो क्या ले रहे हैं, एनर्जी, ठीक है। सन जो होता है, सोलर एनर्जी जो होती है, वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, और उसको उसको कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, कौन हेल्प करता है, कौन उस एनर्जी को यूज़ कर सकता है, उस सोलर एनर्जी को एक केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, फॉर दी फॉर्मिंग केमिकल एनर्जी ऑफ फूड में कन्वर्ट करना कौन कर सकता है, केवल फोटो ऑटोट्रॉप्स कर सकते हैं। अब इस फोटो ऑटोट्रॉप्स में कौन कौन आते हैं, इस फोटो ऑटोट्रॉप्स में आते हैं प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, नॉट ऑल प्लांट्स, सभी प्लांट नहीं आते हैं। क्लास सेवेंथ में, एट्थ में जब हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े हैं और साथ ही साथ हमने उनके न्यूट्रिशन साइकिल पढ़े हैं, तो हमें ये पता है कि प्लांट्स सारे के सारे ऑटोट्रॉप नहीं होते, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, दे आर ऑटोट्रॉप्स, देन सम ऑफ द बैक्टीरिया, सम ऑफ द एल्गल मेंबर, दे आर फोटो ऑटोट्रॉप्स, दे कैन यूज दिस सनलाइट एनर्जी टू मेक देयर ओन फूड, केमिकल एनर्जी में इसको कन्वर्ट करने के लिए उनके पास उनके पास ये क्षमता है। बट ये क्षमता कहाँ से आई, सो दीज ऑल हैव वन थिंग इन कॉमन, दे हैव क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ठीक है, सो दे हैव क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, आइदर क्लोरोफिल ए, आइदर क्लोरोफिल बी, ए बी सी डी, सो ऑफकोर्स डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरोफिल आर देयर, क्लोरोफिल पिगमेंट के बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये पिगमेंट करता क्या है, ठीक है, सो एक जनरल प्रोसेस ये है कि जो वॉट इस फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन की तरफ हमें लेके जाता है दूसरी डेफिनेशन की तरफ, जो कि एक साइंटिफिक डेफिनेशन है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है वो लाइट के जो लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इस लाइट एनर्जी को ट्रैप करके प्लांट के पास लाता है, और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इस लाइट एनर्जी के फोटोन्स को ट्रैप करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है, फोटोन्स को यूज़ कर लेते हैं। सो अब डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, नई डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट इज़ ए प्रोसेस इन विच प्लांट यूज, ठीक है, प्लांट, ग्रीन प्लांट और बैक्टीरिया और एल्गी यूज photons of light, photons of sunlight to reduce or to fix carbon dioxide in presence of some reducing agent. अच्छा, मैं एक्चुअली ये डेफिनेशन आप पेपर में नहीं लिख सकते हैं, बट ये डेफिनेशन जो है हम आपको बहुत सारे
एस्पेक्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लाइट एनर्जी केवल इस तरह से नहीं है कि जो कोई जादू है और उस तरह से लाइट एनर्जी आ रही है और उसको वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। लाइट के जो पार्टिकल्स हैं, फोटोन्स हैं, उन फोटोन्स का इस्तेमाल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल करते हैं टू फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, शुगर के फॉर्म में फिक्स करने के लिए। और इसमें मदद कौन करता है, इसको कुछ रिड्यूसिंग एजेंट करते हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस के दो एस्पेक्ट हमने बताए, इट इज़ हैविंग फोटो। ठीक है, अगर हम देखें इसमें, इट इज़ हैविंग फोटो एंड सिंथेसिस। ठीक है, सो इसी तरह से आपके फोटोसिंथेसिस के दो फेज होते हैं। ठीक है, प्लांट पूरे दिन फोटोसिंथेसिस करते रहते हैं क्या? नहीं, हम कहेंगे सिर्फ लाइट में करते हैं। क्या वो पूरे दिन रेस्पिरेशन करते रहते हैं? हाँ बिल्कुल, वो पूरे दिन रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, लेकिन फोटोसिंथेसिस भी आपका दो तरह का होता है, ठीक है, दिन का और रात का। सो फोटोसिंथेसिस हैव टू फेसेस, डार्क एंड लाइट। मुझे उल्टा लिखना चाहिए, लाइट एंड डार्क। ओके, सो फोटोसिंथेसिस के डिफरेंट एस्पेक्ट क्या करते हैं? फोटो पार्ट का मतलब है लाइट रिएक्शन, वेयर द लाइट एनर्जी इज कंजर्व्ड। सो दिन के समय पे प्लांट्स जो होते हैं वो इस लाइट एनर्जी को कंजर्व कर देते हैं, इज कंजर्व्ड इन फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी जो है वो उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके रख लेते हैं। और डार्क फेज में वो लाइट की ज़रूरत उन्हें नहीं रहती। ठीक है, तो इस डार्क फेज में क्या करते हैं, इस केमिकल एनर्जी को दे यूज ऑफ केमिकल एनर्जी, इस केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं टू फिक्स, केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल किया टू फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्ब्स में इसको कन्वर्ट करने के लिए। सो दिस इज फोटो मीन्स यूजिंग ऑफ लाइट energy to converting it to chemical energy, then this chemical energy is conserved in the plant cells के अंदर, chlorophyll molecule के अंदर ये chemical energy conserve हो जाती है। और फिर dark phase में जहाँ उन्हें light की ज़रूरत नहीं होती, इस chemical energy को use करके carbon dioxide को carbohydrate carbs में बदल देते हैं। So this is photosynthesis, the actual definition। ठीक है, light reaction and dark reaction, ये आपकी definition इस तरह से, जो एक simple definition थी वो इस तरह से टूट जाती है। चलिए अब देखते हैं कि photosynthesis, और थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या क्या पार्ट रखता है क्लास 11th के लिए। देखिए ये आपको काम आएगा, ये वाला जो टॉपिक है आपको काम आएगा। मैंने लिखा हुआ फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, बेसिकली इन हायर क्लासेस जो हम पढ़ते हैं हम उसके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, सो फोटोसिंथेसिस में कंसेप्ट मैप मैंने बना रखा है कि हम क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं और आगे की क्लासेस में हम इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए ये प्लांट का एक स्ट्रक्चर बना रखा है, वाटर ड्रॉपलेट्स, जो वाटर है वो वाटर मॉलिक्यूल एपोप्लास्ट या सिम्प्लास्ट पाथवे से, ठीक है, एपोप्लास्ट या सिम्प्लास्ट पाथवे से, एपोप्लास्ट या सिम्प्लास्ट पाथवे से वाटर जो है रूट हेयर के जरिए रूट्स में, लोअर रूट्स में और हायर रूट्स में जाएगा। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे टॉपिक आते हैं कि इसमें एपोप्लास्ट पाथवे भी चलेगा, इसमें सिम्प्लास्ट पाथवे भी चलेगा, और हम इसमें ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। ठीक है, सिम्प्लास्ट पाथवे भी चलेगा और इसमें ट्रांसपिरेशनल पुल भी चलेगा, कैपिलरी एक्शन भी चलेगा, जिसके जरिए पानी जो है वो ऊपर तक हायर प्लांट्स में जाएगा ग्रीन लीव्स, ग्रीन स्टेम के अंदर। अब इस ग्रीन लीफ में क्या क्या है, इस ग्रीन लीफ में ऊपर की लेयर, नीचे की लेयर एपिडर्मिस है, अपर लोअर एपिडर्मिस। थोड़ा सा डायग्राम को बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अपर लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, सो दिस इज अपर एपिडर्मिस, दिस इज लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस में ज़्यादातर क्या होते हैं, स्टोमेटा। बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन बनता है, स्टोमेटा के फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, स्टोमेटा के फंक्शन होते हैं गैस एक्सचेंज, और स्टोमेटा का फंक्शन होता है ट्रांसपायरेशन। ठीक है, यही ट्रांसपायरेशन पुल मदद करता है, यानी ये जो ट्रांसपायरेशन के जरिए पानी निकलता है यही पौधों में पानी को ऊपर तक आने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, सो स्टोमेटा ज़्यादा लोअर एपिडर्मिस में होते हैं, कुछ कुछ अपर एपिडर्मिस में भी होते हैं। उसके अंदर के जो ये सेल्स हैं, जो भी सेल्स अंदर दिख रहे हैं, इन्हें हम मीजोफिल सेल्स कहते हैं। ये दोनों तरह के सेल्स मीजोफिल सेल हैं, और ये जो मीजोफिल सेल्स हैं इनके अंदर दो तरह के मीजोफिल सेल हैं, कुछ आपके टाइटली पैक हैं, इन्हें हम बोलते हैं पैलिसेड,
और जो आपके लूज पैक है उसको हम बोलते हैं स्पंजी, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी, ठीक है। ये आपके पैलिसेड स्पॉन्जी पैरेन्काइमेटल सेल हैं, पैरेन्काइमेटल सेल्स हैं ये, ओके। आगे चलते हैं डायग्राम में, देखते हैं। तो क्योंकि मैं एक एक एस्पेक्ट के बारे में बताने वाली हूँ यहाँ पर, सो वाटर ड्रॉपलेट्स जब इन लीव्स तक पहुँची तो लीव्स के अंदर मेसोफिल सेल्स के अंदर मेसोफिल सेल के अंदर बेसिकली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलती है। इस मेसोफिल सेल्स में पैलिसेड में भी स्पॉन्जी में भी है क्या, अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, प्लास्टिड्स हैं, क्लोरोप्लास्ट है। ये जो क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल है इसके अंदर भी दो अलग अलग स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक पार्ट को जो कि आपका लिक्विड पार्ट है, ठीक है, इसके हम बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। यहाँ पर होती है डार्क रिएक्शन, जो भी हमने बात की थी, डार्क रिएक्शन होती है, ठीक है। और जो ये आपका सॉलिड पार्ट है, ठीक है, ये सॉलिड पार्ट है थैलाकॉइड्स, इसके अंदर होती है लाइट रिएक्शन। सो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के, क्लोरोप्लास्ट के दो आपके रीजन्स हैं, स्ट्रोमा लिक्विड फेस और थैलाकॉइड सॉलिड फेस, ठीक है, सॉलिड फेस। सो ये थैलाकॉइड्स मिलके, हाँ थैलाकॉइड्स मिलके क्या है, ग्रैना भी बनाते हैं। बहुत सारे थैलाकॉइड्स मिलके ग्रैना बनाते हैं। सो अगर हम सॉलिड लिक्विड फेस के बारे में बात करें, आपसे पूछा जा सकता है कि क्लोरोप्लास्ट में सॉलिड फेस क्या है, लिक्विड फेस क्या है। लिक्विड फेस है स्ट्रोमा, सॉलिड फेस है ग्रैना, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, थैलाकॉइड्स में। अभी हम लाइट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे कि लाइट रिएक्शन क्या होती है। देखिए ये है आपकी एक्चुअल लाइट रिएक्शन, वैसे हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे ज़रूर, लेकिन लाइट रिएक्शन, ओके। सो ये है लाइट रिएक्शन जो कि थैलाकॉइड के अंदर हो रही है। थैलाकॉइड के अंदर बहुत सारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं और वो एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। जैसे लाइट एनर्जी इस वाले क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पे पड़ी तो ये इसको रिफ्लेक्ट करके इसकी एनर्जी को बढ़ा बढ़ा के फाइनल एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पे पहुंचा देता है। ये आपका लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर है जहाँ से लाइट एनर्जी यूज़ होती है। ये क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेता है, उससे इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है। वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में उछालता है, उछाल के इन्हें कोई एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन हम किसी को डोनेट करते हैं तो हम उसको रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्सेप्टर रिड्यूस हो गया है, रिड्यूस होने के बदले इसने कुछ एनर्जी रिलीज करी होगी और उस एनर्जी को हीट एनर्जी के फॉर्म में, फ्लोरोसेंस के फॉर्म में यानी कलर के फॉर्म में और खाने के फॉर्म में, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में हमने इसको स्टोर कर लिया। दिस इज द लाइट एनर्जी, ठीक है, दिस इज द लाइट रिएक्शन। देन इसमें एक फेज आपका आता है जिसे हमें डिटेल में पढ़ना है, डार्क फेज, ठीक है। सो डार्क फेज जो होता है वो कहाँ पे होता है, डार्क फेज होता है स्ट्रोमा में, और स्ट्रोमा में दो पाथ हम पढ़ेंगे, हैट्सलैक पाथवे जो कि ज़्यादा C4 प्लांट में होता है, केल्विन बेंसल साइकिल जो कि C3 प्लांट में होता है। ये C4 C3 क्या है ये हम डिटेल में ज़रूर अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिक्स होता है। सो दिस इज बेसिकली अ कंसेप्ट मैप विच आई हैव ड्रॉन फॉर फोटोसिंथेसिस बिकॉज इट इज़ नॉट अ शॉर्ट टॉपिक, एक छोटा टॉपिक ही होने वाला नहीं है, एक बड़ा टॉपिक है और बड़े नंबर का टॉपिक ज़रूर है, ठीक है। आपसे किसी भी लेवल पर आप ज़रूर चले जाओ, ये टॉपिक पूछना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये आप पढ़ रहे हैं 6 से 7 से। जो लाइट एनर्जी बनती है, यहाँ पर एक छोटी सी बात रह गई है, जो लाइट एनर्जी बनती है वो किस एनर्जी के फॉर्म में, किस केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है, ATP मॉलिक्यूल और NADPH मॉलिक्यूल। ये ATP NADPH मॉलिक्यूल जो केमिकल एनर्जी बनती है, इस केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल जो है वो फूड एनर्जी बनाने के लिए डार्क फेस में यूज़ होता है, बाय केल्विन बेंसल साइकिल, बाय हैट्सलैक पाथवे, ओके। अब इस डायग्राम को छोटा करते हैं, देखते हैं हमें अभी क्या एग्जैक्टली देखा। देखिए सो प्लांट्स जो है, एक जूम आउट जूम इन दोबारा कर लेते हैं थोड़ा सा, चलिए देखिए। सो प्लांट्स जो है उसमें वाटर रूट हेयर के जरिए और रूट्स के जरिए ट्रांसपिरेशनल पुल के जरिए ऊपर तक जा रहा है, अपर पार्ट में जा रहा है, एरियल पार्ट में जा रहा है। एरियल पार्ट में लीव्स हैं, लीव्स जो सनलाइट को ट्रैप करके बैठी हैं बाय द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड देयर इज पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। पैलिसेड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में क्लोरोफॉर क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल है, जहाँ पर थैलाकॉइड के अंदर क्या चल रही है, लाइट रिएक्शन।
ये लाइट रिएक्शन जो है सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, फॉर्मिंग एटीपी एंड एनएडीपीएच। देन क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही जो लिक्विड फेस है, स्ट्रोमा है, वहाँ पर चलेगी डार्क रिएक्शन, जहाँ पर ये जो केमिकल एनर्जी बनाई गई थी उससे यूज़ करके कार्बन को फिक्स करेंगे। अब उसके लिए दो पाथवे हैं, या तो केल्विन बेंसर या फिर हैट्सलैग पाथवे, ठीक है। अब इन सारे प्रोसेस को एक एक करके हम हाफ ऑफ करके विद द टर्म्स ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट था फॉर द फोटोसिंथेसिस, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में। थैंक यू।